अभी तो मैं सबसे पहले मैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयान की बात करूं, उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा का जिक्र किया कि उनके बगैर भी इलेक्शंस हो सकते हैं। सर ये उनका अंदाजा है या इसको मैं खबर के तौर पर लूं? अगर सीरियसली देखा जाए और प्राइम मिनिस्टर को, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अगर सीरियसली लिया जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी खबर है। और इट ऑल डिपेंड्स नाउ के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकर साहब जो है वो अपनी बातों पर कितना कायम रहते हैं। अगर इस पे, इस खबर पे, यानी कि ये जो उन्होंने इंडिकेशन दी है, जिस तरफ निशानदेही की है, अगर इसी पे वो कायम रहते हैं तो इट्स अ बिग न्यूज। दैट मीन्स के जनाब पीटीआई इलेक्शंस में होगी, बल्ला बैलेट पेपर पर होगा और पीटीआई चेयरमैन इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ये जो काकड़ साहब ने कहा है उससे तो मुझे ये समझ आती है। और अगर इसी तरह ही है तो देन यू नो इन लोगों को, यानी कि पीटीआई वालों को जो स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई हुई है वो ये बनाई हुई है कि जितने भी वकला हैं, वकला हजरात जितने भी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाएं, जो भी दे टिकट उनको टिकट दिए जाएं और वो जनाब वो इंगेज करके रखे इलेक्शन में वकला ज्यादा से ज्यादा। अब उनकी स्ट्रेटजी ये है कि अगर वकला के साथ अगर धांधली होती है, पीटीआई की स्ट्रेटजी है कि अगर वकला के साथ धांधली होती है तो इट कैन टर्न इनटू अ एजिटेशन। ठीक है, तो वो अगर देखा जाए तो ये मतलब कि इट्स स्ट्रेटजी उनकी ये है, वकला वकला के साथ धांधली होती है, वकला बाहर निकलेंगे, वो जनाब एक कैंपेन बन जाएगी, वो एक एजिटेशन बन जाएगी। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। दिस इज द इनसाइड के ज्यादा से ज्यादा वकला को दिए जाए टिकट या फिर इंडिपेंडेंट्स को दिए जाए। इंडिपेंडेंट्स को टिकट तो नहीं मिलेंगे लेकिन इंडिपेंडेंट लड़े वो इलेक्शन और उसके बाद वो शामिल हो जाएं पीटीआई के अंदर। सो दिस इज द स्ट्रेटजी विच दे हैव राइट नाउ इन देयर एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बट देन अगेन वंस अगेन कमिंग टू काकड़, काकड़ की स्टेटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के टेकर प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसको आई विल टेक इट सीरियसली अंटिल अनलेस यू नो ही लाइक बैक्स आउट फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, बट राइट नाउ I will take it seriously. But sir, if that's so, जो काकड़ साहब ने कहा है और इसको हम खबर के तौर पर लेते हैं राणा साहब, और आने वाले वक्तों में, ज्यादा दूर की बात नहीं है, दो तीन महीने में इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि elections जब होंगे तब तहरीक इंसाफ के सरबरा उसमें पार्ट ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर नहीं ले सके तो आपको नहीं लगता इसका बिलावास्ता फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होना है? क्योंकि लोग तहरीक इंसाफ के सरबरा को देख के वोट डालेंगे अगर डालना हो, या उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो फैंस हैं, और उसमें एक सिंपैथी का एलिमेंट भी आ जाएगा। इट कैन गो ईदर वेज। ये दो धारी तलवार है, इसको ऐसे ले सकते हैं हम कि सिंपैथी वोट तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर उनका चेयरमैन जो है पीटीआई का चेयरमैन अगर खुद नहीं होते वहां पे इलेक्शंस के अंदर, खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो उनके इतना उनकी फेवर में, पीटीआई की फेवर में नहीं जाएगा। आई पर्सनली थिंक सो। ठीक है, सिंपथी वोट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन देन अगेन जैसे वोट जो है मियां नवाज शरीफ का है मुस्लिम लीग नून में, अगर देखा जाए मर्जी आ जाए, वोट जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट पड़ेगा। इसी तरह वोट जो अगर देने वाले जो है, जो उनके डाई हार्ड वर्कर है पीटीआई के, उन्होंने वोट देना है पीटीआई के चेयरमैन को। सो अगर वो पीटीआई के चेयरमैन को वोट देना और पीटीआई का चेयरमैन वहां पे नहीं है और उसके कैंडिडेट्स हैं, ठीक है उसको वोट पड़ेगा उनके कैंडिडेट्स को, लेकिन उस तादाद में शायद ना पड़ सके जिस तादाद में अगर वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करे चेयरमैन पीटीआई। उस वो डिफरेंट सिचुएशन होगी, ये डिफरेंट सिचुएशन। दैट्स अ पॉइंट सर, बहुत वैलिड पॉइंट है ये बात ना कि अगर ये इस तरह से मैटर चलता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं ले सकेगी। तो तहरीक इंसाफ के सरबरा इतना बड़ा रिस्क लेंगे या फिर समझेंगे कि मैं जो है ना अपनी चेयरमैनशिप ही किसी और को दे दूं? लेकिन इस वक्त वो जो चेयरमैनशिप का उम्मीदवार है वो भी कोई नजर नहीं आता। मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो शमीम कुरैशी है, इसके अलावा तो और कोई नजर नहीं आता जिनको चेयरमैन बनाया जा सके और फिर जो उनके वोटर्स हैं वो उनको वोट दे सके। देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर बात की जाए ना तो चेयरमैन पीटीआई जो है उनको पहले रोज से ही उनपे ट्रस्ट डेफिसिट है और वहां पे उनको ट्रस्ट नहीं करते और दिस इज वेरी ऑब्वियस और ये कई बार देखा भी जा चुका है।
कि वहां पे शाह महमूद कुरैशी के नाम पे उनको ट्रस्ट नहीं है पीटीआई के चेयरमैन को, और मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको बनाएंगे और अपनी पार्टी जो है उनके हवाले कर देंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि दो नाम उन्होंने रखे हैं किसी के पास, अपने करीबी साथी के पास, और दो नामों पे हो सकता है कि कोई इत्तफाक हो जाए। अच्छा। जो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, एक तो वो शख्स है जिनको अभी उन्होंने जेल काट के अभी थोड़े थोड़े दिन पहले वो उनको रिहाई मिली है, और उनसे उन्होंने काफी सख्तियां काटी है पीटीआई के लिए, और उनका नाम है शेरयार अफरीदी की बात कर रहा हूँ जी जी। और एक और शख्सियत है जो कि अंडरग्राउंड है फ्रॉम डे वन, और वो उन्होंने यहाँ पे शायद मुल्क के अंदर नहीं है, किसी पड़ोसी ममालिक शायद। तो इस वो दो नाम उनके जहन में हैं, और अगर उस पे बाकी लोग भी इत्तफाक कर जाए तो फिर शायद हो सकता है कि जनाब उनको। मुराद सईद का जिक्र तो नहीं कर रहे सर आप? जी, मैं मुराद सईद का जिक्र। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।